टुडे स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ द पॉलीनोमियल। इसके अंदर किस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल और जीरोस की रिलेशनशिप। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट जो हमने ऑलरेडी क्लासेस में लर्न किया हुआ है किस तरीके से वेरीफाई करते हैं तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपके पास पे इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप को आपको वेरीफाई करना है। तो आपको जीरोज फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल है। इसका एक्स स्क्वायर फैक्टर इस तरह से बनाइए कि माइनस टू आ जाए, तो कितना 4 2 होता है 8, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8, राइट। कॉमन ले लेते हैं x माइनस 4, राइट, प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं तो x का माइनस का 4 आ जाएगा x प्लस 2 x माइनस 4। तो अब हमें पता है कि जब इस तरीके से आता है तो इस वैल्यू को जीरो के बराबर पुट करें और इस वैल्यू को जीरो के बराबर पुट करें तो ये क्या होएगा, इस फंक्शन को जीरो बना देगा, तो फाइनली पॉलीनोमियल जीरो आ जाएगी और वही कहलाते हैं आपके जीरो। यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो गया माइनस का 2 और ये हो गया आपका 4। तो ये हो गए आपके जीरो, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है हमारा, ये होता है माइनस बी वाई ए के बराबर। और अगर हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आता है, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा सी वाई। ठीक है, अब हम सबसे पहले लेंगे अल्फा एंड बीटा को इस तरीके से। तो यहां पर आप अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए, इन दोनों का सम कीजिए कितना आ रहा है 2। अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है आपका, इन दोनों को प्रोडक्ट कर लीजिए माइनस का 8। अब हम वहां चलते हैं तो हमें किस तरीके से फॉर्मूले से लेना है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए यानी कि माइनस ऑफ बी कितना है हमारे यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी और सी की वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया ए कितना है हमारा 1, एक्स स्क्वायर का जो फैक्टर होगा कोफिशिएंट होगा वो ए कहलाएगा 1, बी कितना होगा हमारा माइनस का 2 और सी कितना हो जाएगा, ये जाएगा माइनस का 8। अब फॉर्मूले में आप रख लीजिए माइनस का बी यानी कि माइनस ऑफ माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहां पर आप c बाय ए रख लीजिए, c कितना है माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 1 तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 8। तो ये रिलेशनशिप हमारी आई कोफिशिएंट से और ये हमारे जीरोस को डायरेक्टली सम करके आई। ठीक है, अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 और माइनस बी बाय ए कितना है 2, दोनों बराबर है, राइट। तो रिलेशनशिप वेरीफाई होता है। प्रोडक्ट कितना है अल्फा इंटू बीटा, कितना आया माइनस 8। यहां से अगर फॉर्मूले से लिखेंगे तो कितना आएगा माइनस 8, तो ये हमारा इक्वल है। तो इसका मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई होती है। किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करा, एक बार फ्लो देख लीजिए आप। पॉलीनोमियल को लिखा, पॉलीनोमियल लिख के उससे जीरोज निकाले, फैक्टर्स निकाले, उसके कितने आ रहे हैं माइनस 2 और 4, ये ध्यान रखिएगा। इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो एक जीरो आएगा, इसको जीरो के बराबर पुट करेंगे तो एक जीरो आएगा। तो ये हमारे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा ये वैल्यू। फॉर्मूले में रखेंगे माइनस बी बाय ए सी बाय ए और यहां पर से कोफिशियंट देखेंगे, कोफिशियंट देख के माइनस बी बाय ए कैलकुलेट हो जाएगा, सी बाय ए कैलकुलेट हो जाएगा और देख लेंगे कि फॉर्मूला और इससे दोनों से वैल्यू आपकी बराबर हो रही है तो रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो जाएगा। डन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है भाई, जीरो हमें फाइंड आउट करने हैं, तो किस तरीके से बनेगा, फोर बन जा एस। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर रिलेशनशिप किस तरीके से बन रही है। माइनस टू एस लिख देते हैं इसको, माइनस का टू एस लिख देते हैं, प्लस का वन लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फोर एस स्क्वायर। इसमें से आप टू एस फॉर्म में ले लीजिए, कितना बचेगा, टू एस बचेगा माइनस का वन। माइनस वन फॉर्म में ले लीजिए, टू एस माइनस का वन, टू एस माइनस वन, टू एस माइनस वन। तो इसका मतलब एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन बाय टू, और इससे भी कितना हो जाएगा, वन बाय टू। तो इसके देख लीजिए अल्फा और बीटा दोनों सेम है, अल्फा कॉमा बीटा बोथ आर वन बाय टू, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका सम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारा, वन बाय टू प्लस वन बाय टू, कितना होता है हाफ एंड हाफ, वन हो जाएगा। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, वन बाय टू इंटू वन बाय टू, तो कितना हो जाएगा ये, वन बाय फोर। तो ये तो हमारा रिलेशनशिप निकला इस तरीके से, डायरेक्ट उसको जीरोस को सम करके या प्रोडक्ट करके। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले से, तो फॉर्मूले से बात करने से पहले हम क्या देखेंगे, ए देखेंगे कितना है, फोर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कितना है, फोर। बी कितना है आपका, माइनस का फोर, और सी कितना है आपका, वन। ठीक है, तीनों वैल्यू डिफाइन होगी। अब फॉर्मूले पुट करते हैं, सम कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ माइनस फोर डिवाइडेड बाय फोर, यानी कि प्लस का फोर डिवाइडेड बाय फोर, यानी कि कितना आ जाएगा, वन। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, सी बाय ए, सी बाय ए कितना हो जाएगा हमारा, वन डिवाइडेड बाय फोर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए क्या ये बराबर है, अल्फा प्लस बीटा वन वन, दोनों बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा कितना है, वन बाय फोर, और ये कितना है, वन बाय फोर, वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब हर पॉलीनोमियल के अंदर आपका रिलेशनशिप वेरीफाई होता है। थैंक यू। एक्सरसाइज 2.2 का एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। फिफ्थ वाला, जिसके अंदर टी स्क्वायर माइनस 15 आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है। अब इस पॉलीनोमियल के लिए हमें ये देखना है, सबसे पहले तो इसका ए वैल्यू कितना होगा, वन। बी वैल्यू कितना होगा, बी किसका फैक्टर होता है, सिर्फ पावर वन का, पावर वन वाली इक्वेशन है यहाँ पे, नहीं है, उसका मतलब जीरो। और सी कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 15, क्योंकि वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, एबीसी हमने लिख लिया। चलिए अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फैक्टर्स बनाते हैं। तो इसको फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, इसका फैक्टर बनाना बहुत सिंपल है। इसको लिख लेंगे टी माइनस रूट 15, और एक हो जाएगा इसका टी प्लस रूट 15। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करके देखिए आप, टी टी स्क्वायर, और यहां पर आपका रहेगा प्लस रूट 15 टी, ये रहेगा आपका माइनस का 15 रूट टी, और ये दोनों मल्टीप्लाई होते जाएगा 15। ठीक है, प्लस से माइनस कट जाएगा, और यहां पर बचेगा आपका टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो इसका मतलब फैक्टर्स किस तरीके से आएंगे, इसका एक माइनस और एक प्लस आएगा, तो ये हमारे हो गए फैक्टर्स। ठीक है, इसको अब इस तरीके से ही लिख लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके फैक्टर्स। तो यहाँ पर आपका ये देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव रूट 15, ये कितना आ जाएगा माइनस रूट 15, डन। तो ये वैल्यूज आ गया। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को सम करेंगे, जीरो। अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 15, डन।
ये तो हमने जीरोस को सम कर लिया और मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? सम को हम लेते थे माइनस बी बाय ए, तो आप देखिए माइनस का बी यानी कि जीरो डिवाइडेड बाय वन दिया जाएगा, और जीरो डिवाइडेड बाय वन कितना होता है? जीरो होता है। प्रोडक्ट आप देख लेते हैं सी बाय ए, सी कितना है मेरा माइनस का 15 डिवाइडेड बाय ए कितना है मेरा 1, ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 15। कंप्लीटेड, ठीक है। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है? जीरो, जीरो और जीरो बराबर वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट कितना हो रहा है? माइनस का 15, यहाँ पर कितना आया माइनस का 15, ये भी बराबर हो गया। तो इस इक्वेशन के अंदर, इस पॉलीनोमियल के अंदर हमारा फिर अगेन जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाता है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर जो सीरीज वाले क्वेश्चंस है, टाइप 2 के जो क्वेश्चंस है हमारे, इस तरह से देखते हैं इसके अंदर क्या बोला है, हमें देख लेते हैं। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इस बार हमें उल्टा करना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमें फाइंड आउट करनी है और हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम अगर हम देखते हैं, यहाँ पर मुझे 1/4, -1। अब हमें ध्यान रखिएगा कि मुझे ये क्या दे रखा है, क्या ये जीरोस मुझे गिवन है? नहीं, ये मुझे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके दे रखा है, यानी कि मुझे अल्फा प्लस बीटा 1/4 गिवन है और अल्फा इंटू बीटा मुझे -1 गिवन है। ध्यान रखिएगा ये जीरोस मुझे गिवन नहीं है, बल्कि क्या गिवन है, इस बार मुझे सम गिवन है एंड इसका प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। तो अब हमें फॉर्मूला जो पता है उसको हम पुट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमें जनरल टर्म क्वाड्रेटिक की लिख लेना चाहिए जो हमें बनानी है, बी एक्स प्लस सी, इस तरीके की पॉलीनोमियल हमें बनानी है, ठीक है। बस फाइंड आउट क्या करना है, ए फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या हो गया आपका माइनस का बी बाय ए, ये क्या हो गया आपका सी बाय ए, ठीक है। तो अब आप देखिए ये आपका माइनस बी बाय ए है, ये आपका सी बाय ए है, किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे? आप यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए, ठीक है। तो ये कितना है आपको, ये ऑलरेडी गिवन है, कितना है ये आपका 1/4, ये जाएगा आपका -1/4 एक्स प्लस सी बाय ए, सी बाय ए कितना गिवन है आपको माइनस का 1, डन। तो इस तरीके से आपकी ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपकी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का जो यहाँ पर कितना होगा, जीरो होगा बराबर, तो इसको आप एलसीएम लेके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4x² - x - 4, क्योंकि 4 यहाँ से एलसीएम जाएगा और ये जीरो के बराबर टूट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वैसे आप इसको जनरल टर्म में रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपके ठीक है किस तरीके से आपके पीछे एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए 4x² - x - 4, ठीक है, एलसीएम लेके। चलिए तो ये हो गया आपका अपोजिट, यानी कि सम आपको दिया हुआ था, प्रोडक्ट आपको गिवन था और आपको क्या निकालना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमें देखना है, क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है सम √2 के बराबर, प्रोडक्ट हमें गिवन है, दिस इज 1/3,
ठीक है, निकालना क्या है, सम गिवन है, प्रोडक्ट हमें गिवन है, निकालना क्या है हमें, अगेन क्वाड्रेटिक निकालनी है, वही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर। ठीक है, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, राइट, और ये किसके बराबर है, रूट टू के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है हमें, सी बाय ए होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और कितना गिवन है, वन बाय थ्री। तो मुझे पता है जनरल टर्म कैसे लिखती हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। ठीक, और यहां पर माइनस बी बाय ए प्लस इस तरीके से। ठीक है, अब माइनस क्योंकि सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस बी बाय ए के बराबर होता है, और यहां पर भी माइनस माइनस हो जाएगा तो ये प्लस की टर्म आ जाएगी जो कि यहां पर मुझे दिख रही है। तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना दिया हुआ है मुझे सम रूट टू के बराबर, प्लस सी बाय ए मुझे कितना दिया हुआ है वन बाय थ्री के बराबर। इसको मैं पुट कर लेती हूँ, इस तरीके से लिख लेते हैं इसको, आप चाहे तो इस तरह से भी इसको छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए। तो कितना आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आपका आंसर किस तरीके से दिया हुआ है, यही दिया हुआ है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन, ये आपकी क्वाड्रेटिक निकल के आपके यहाँ से। सिंपल है क्वेश्चन।